5 मिनट क्राफ्ट्स किचन हैक्स। एक दिन आप किचन में खाना बना रहे होते हैं, आपको एक बोल के अंदर पानी चाहिए होता है, लेकिन आप उस बोल में डायरेक्ट पानी भरने की जगह एक जीनियस आइडिया अपनाते हैं। आप एक छन्नी लेते हैं, वो छन्नी जिसके अंदर होल्स होते हैं उसमें पानी भरने की कोशिश करते हैं, एंड जब पानी उसमें नहीं भरता तो आप कंफ्यूजन में चले जाते हैं कि हैं ये कैसे न्यू आ रहे, बस होल्स ही तो है उस चन्नी में जिससे पानी नीचे टपक जाएगा, तो पानी तो भर जाना चाहिए था चन्नी में। पर तभी आपके दिमाग में एक जीनियस आइडिया आता है, आप उस होल्स वाली चन्नी के सारे होल्स टेप से बंद कर देते हैं एंड फिर उसमें पानी भरते हैं, एंड अब पानी भर जाता है और फिर आपको लगता है अपुनिज भगवान है। कभी कभी लगता है कि अपुनिज भगवान है। अब इस टेप लगी चन्नी में भरे पानी को आप बोल में ट्रांसफर करते हैं एंड अपने आप में बहुत ही ज्यादा खुश फील करते हैं, बहुत ही प्राउड फील होता है आपको, क्योंकि आपने जीवन में बहुत ही बड़ी उपाधि पा ली है, आप अब गधे बन चुके हैं। काश कोई इन हैक्स वालों को बताता कि बोल में डायरेक्ट पानी भी भरा जा सकता था। ये छन्नी, ये कड़छी, छन्नी में पानी टपकता है, कड़छी में पानी नहीं टपकता है। एक दिन आप बाथरूम में नहा रहे होते हैं एंड तभी आपको रियलाइज होता है, ओ शिट, मेरा तो सारा मेकअप ही खराब हो गया, मेरी जिंदगी ही खराब हो गई। लेकिन तभी आपके दिमाग में एक जीनियस हैक आता है, आप अपनी आंखें और लिप्स पर ऐसे खिड़की और दरवाजे लगा लेते हैं। अब आप जब नहाते हैं तो आपका वो मेकअप जो आपने नहाने से पहले ही लगा लिया था, अब वो खराब नहीं होता है। तुम्हें वो मूवी याद है नमस्ते लंदन? उसमें वो एक सीन है जिसमें अंग्रेज जो है वो इंडिया की बेइज्जती कर देते हैं, फिर अक्षय पाजी उनको अच्छा खासा रिप्लाई देते हैं, जरूरत ही नहीं थी यार उन अंग्रेजों को, सिर्फ ये वाला हैक दिखा दो, बेचारे वैसे ही शर्म के मारे चुल्लू भर पानी में डूब मरेंगे। अरे अगर इस मूर्ख लड़की को सिर्फ इतना पता होता कि मेकअप नहाने के बाद लगाया जाता है, नहाने से पहले नहीं, तो इस हैक की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। ये खिड़की और दरवाजे, ये क्या है, ये तो टट्टी है। So guys, here it is my new look. This multi-purpose खिड़कियां दरवाजे। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो रन। How do I look? चोमू चमनप्राश लग रहा है। चोमू चमनप्राश। हाँ। ये बहुत अच्छी बात कही है आपने। मम्मी कैसा लग रहा हूँ? ये तो मुझे दे दे, मैं जब नहाऊंगी ना मेकअप नहीं होगा मेरा। हाँ मम्मी, मम्मी भी उनमें से है जो नहाने से पहले मेकअप लगाती है, तो ये काफी यूजफुल रहेगा। देखिए आइए आइए बाथरूम में आइए, आपको दिखाऊंगा हाउ इट वर्क। ये मैंने ऐसे कर लिया तो ये पर्दे और खिड़कियां बंद हो गई। अब जब इसके ऊपर कोई पानी फेंकेगा तो मैं गीला हुआ ही नहीं। इट वर्क। देखो लिप्स पे पानी नहीं आया, आंखों पे पानी नहीं आया, इट वर्क। वाह चोमू चमनप्राश, बाकी सारा गीला हो जाए तो आंख और मुंह नहीं गीला होना चाहिए। तो मेकअप तो वही लगता है ना। इट वर्क्स, इट एक्चुअली वर्क्स। ये लो, आप भी लगा लो, मास्क की जरूरत भी नहीं है। पापा आप भी लगा लो। ना बाबू भैया, ना बाबू भैया, हम ऐसा ही ठीक है। अरे ना बाबू भैया, लगाने को मजा आएगा। बढ़िया लग रहे हो। अबे भैया, अबे कहां इनके यूट्यूबरों में मैं अकेला फंस गया। अरे भैया मैंने बचा लो इनसे। बहुत बढ़िया पापा, ऐसा लग रहा है आपको किडनैप कर। एक दिन आप अपने दोस्तों के साथ बैठ के घर पर मूवी देख रहे होते हैं कि तभी आपके चिप्स खत्म हो जाते हैं। ओह नो, आप अपने दोस्तों से चिप्स लेने की कोशिश करते हैं लेकिन आपका कोई भी दोस्त आपके साथ चिप्स शेयर नहीं करना चाहता। सो सैड। लेकिन तभी आपके दिमाग में एक कमाल का आइडिया आता है, आप अपने चिप्स के पैकेट पे एक डबल टेप लगाते हैं एंड उसको अपने शरीर पर चिपका लेते हैं। एंड एक ही चिप्स क्यों, बहुत सारे चिप्स, चॉकलेट, टॉफी, वेफर्स, जो आपका मन करे उसको अपने शरीर पर चिपका लेते हैं एंड पूरी की पूरी चलती फिरती दुकान बनके अपने दोस्त के सामने शो ऑफ करते हैं कि देखो अभी मेरे चिप्स खत्म भी हो जाएंगे तो मेरे पास कभी कमी नहीं होगी। ये वेल डन, तालियां होनी चाहिए। आई लव दिस हैक, आई सीरियसली डू। तुम्हें मजाक लग रहा है? ले लिया थैला, भी ले लिया, मार्केट जा रही हूँ, ध्यान रखना घर का। रुको, कहाँ जा रहे हो? मार्केट। क्यों? सामान लेने। चलती चलती
दुकान तो यही है, मार्केट क्या करने है जाके? भैया एक चॉकलेट देना। और क्या चाहिए? क्रैक्स नहीं है, नटखटी दे दो। क्रैक्स ही है, रखो। भैया को ये नहीं पता कि क्रैक्स है, ये कह रहा है नहीं। और क्या चाहिए? आपके पिताजी का माल है। मरना तेरे को डर नहीं लगता? ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, भागो। अरे वो परचून की दुकान लुट गई, लुट गई सारी दुकान, चोरी कर लिया मेरा, मुंह दिखाने लायक नहीं रहा मैं। इट वर्क्स। क्या आप बहुत ज्यादा नाटे हैं? क्या आपके दोस्त आपको टिंगू टिंगू कह के चिढ़ाते हैं? तो घबराइए मत, 5 मिनट क्राफ्ट्स का ये अगला हैक आप ही के लिए है। एक दिन आप अलमारी के ऊपर से कुछ निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन अपनी छोटी हाइट की वजह से आप टॉप तक नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन घबराइए मत, ऐसे सिचुएशन में आप 5 मिनट क्राफ्ट्स का ये हैक यूज कर सकते हैं। अपनी चप्पल को तोड़ दो, तोड़ दीजिए और उसके ऊपर फिर ग्लू गन से एक और चप्पल चिपका लीजिए, और एक क्यों 3, 4, 5, 6 चप्पलें चिपका लीजिए, और अब आपने बना ली है एक जायंट चप्पल। बधाई हो गाइस, बधाई हो। इस जायंट चप्पल की हेल्प से आप अब आसमान के उन ऊंचाइयों तक पहुंच जाएंगे। बहुत ऊंचे, पूरा कोहरा ही कोहरा चारों तरफ। पर भाई भाई, स्टोन नाम की चीज भी तो होती है, वो भी तो यूज की जा सकती। 6-7 चप्पलें वेस्ट करके बनाई गई एक जायंट चप्पल, या फिर ऑलरेडी घर पे पड़ा हुआ स्टूल, क्या चूज करोगे तुम? जायंट चप्पल। आई नो राइट। अरे यार, मेरा हाथ ही नहीं जा रहा, छोटा बनाया। क्या हो गया? मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा। आपका हाथ यहाँ तक नहीं पहुंच रहा? हाँ। इधर आओ, लाओ चप्पल दो, जरा चप्पल दो, और ये भी लाओ, ये घर की सारी चप्पलें। अब हमें ऐसे करके ये, अरे नई चप्पल क्यों तोड़ रहे हैं? बस ऐसे सारी चप्पलें, सारी चप्पलें तोड़ दो। क्यों? पर क्यों? 5 मिनट क्राफ्ट का हैक है, आप नहीं समझोगे। 5 मिनट क्राफ्ट में चप्पलें क्यों तोड़नी है? तोड़नी है, सारी तोड़नी है, सारी तोड़नी है। सारी चप्पलें कट गई हैं, अब यहाँ पे ये ग्लू गन लेंगे हम और इन सबको चिपका लेंगे। ये लो मम्मी, आपकी नई चप्पल तैयार है। अब ये पहन के आप किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकते हो। रखो पैर, पहुंच जाओ आसमान की ऊंचाइयों तक। लंबी हो गई। वाओ। और दूसरे पैर की चप्पल हमने बनाई नहीं, वो बनी नहीं हमने। इट वर्क्स। इसकी जरूरत नहीं थी, ये भी यूज किया जा सकता था। करके देखो। पर ये ज्यादा बढ़िया है, ये ज्यादा बढ़िया है। ऐसे लग रहा है मैं आसमान तक पहुंच गई। ये भी था? हाँ। इस पे चढ़ के भी आप यूं कर सकते थे। नहीं, पर हमें यही करना था। But this is better guys. 12 seconds later. ये तो निकल गई। अबे ये तो दो दो निकल गई, हे भगवान। ये तो ये तो चप्पल टूट भी गई। इट डजंट वर्क। एक दिन आप रात के वक्त काम कर रहे थे, लेकिन आप बहुत ज्यादा थके हुए थे, आपको बहुत ज्यादा नींद आ रही थी। आपने टेप से अपनी आंखें चिपकाने की भी कोशिश करी, लेकिन उससे भी कुछ फायदा नहीं हुआ। ओ नो, अब क्या करेंगे आप? घबराइए मत, हैक्स वाले यार आपकी जिंदगी बचाने के लिए हैक्स वाले लेकर आए हैं ये कमाल का हैक। एंड ऑल यू नीड फॉर दिस हैक इज कॉफी। ना ना ना, पीनी नहीं है। कॉफी लीजिए और अपने कॉन्टैक्ट लेंसेस को कॉफी में डिप कर लीजिए, एंड अब ये कॉफी फ्लेवर्ड कॉन्टैक्ट लेंसेस जब आप लगाएंगे तो आप में अचानक एक एनर्जी की ऊर्जा बहने लगेगी। आप दे धनादन धन तूफान की तरह काम कर पाएंगे, रातों रात एक छोड़ो 10 रात तक काम कर पाओगे। साले मजाक बना के रखते। इसके बाद तुम्हारी आंखें भी खराब हो सकती है ज्यादा से ज्यादा, पर एटलीस्ट काम तो कर पाओगे, या शायद वो भी नहीं। अरे मम्मी क्या लाए हो? मम्मी कॉफी लाई है। आ जाओ आ जाओ, एक काम करो, जरा दो दो बूंद कॉफी की दोनों आंखों में डाल देना मेरी। क्या? हाँ, वो नया हैक है, उसमें ना कॉफी पीने की जगह दो दो बूंद आंखों में डाल देनी चाहिए। मजाक कर रहा हूँ सालो, ये बेवकूफ है 5 मिनट क्राफ्ट्स वाले, कॉफी आंखों में डाल रहे हैं, कह रहे हैं एनर्जी आ जाएगी इससे। मतलब कॉफी पीने से वो होता है ना कि कॉफी पीने से एनर्जी आना तो सुना है, आंखों में डालने से भी एनर्जी आती है, ये पहली बार देखा है। अबे कोई सच में ट्राई मत कर लेना, इट डजंट वर्क, इट विल नेवर वर्क। अच्छा
हमको सिखा रही है। एक दिन आप सब्जियां काट रहे होते हैं कि तभी अचानक आपके नाखून टूट जाते हैं। ओह नो, ये तो बहुत ही बड़ी समस्या आ पड़ी है। अब आप क्या करेंगे? कोई दिक्कत नहीं है, 5 मिनट क्राफ्ट्स वालों का ये देसी हैक अपनाओ ना। पत्तियां काटो, उसको अपने नाखून पे चिपकाओ, नाखून की शेप में कट करो और उस पे नेल पेंट लगा लो। बधाई हो। पत्तियों के बने हुए नाखून, आई नो आजकल बहुत ज्यादा वो ट्रेंड चल रहा है लंबे लंबे नाखून का। अगर तुम अपने खुद के नाखून लंबे नहीं कर सकते तो बाजार में वो जो भी करते हैं नाखूनों का वो लंबे हो जाते हैं लड़कियों के मिराक्युलसली। बट पत्तियों के नाखून इतना सस्ता जुगाड़ भी नहीं करना था। अल्टीमेटली पेंट लगाने के बाद भी वो रहेंगी तो पत्तियां ही ना, तो वो जहां पे भी टच होंगी वो तो पीछे को मुड़ जाएगी, तो सोचो कैसा लगेगा नाखून पीछे घूमता हुआ। डोंट, प्लीज कभी मत ट्राई करना। ओह माय गॉड, ये क्या पिशाचनी बना हुआ है तू? मैं पिशाच हूं। ला माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। ऐसे कर, थोड़े से पत्ते ना अपने आगे पीछे भी बांध ले, थोड़ा बिल्कुल वही लगेगा राक्षस, जैसे राक्षस होते ना। तू बड़ा जरूर हो गया है, फिर भी तू छोटा है। I hope you guys enjoyed hacks वाली video after almost कितने 8-10 महीने हो चुके हैं last hacks वाली video डाले हुए। अभी से ज़्यादा डालूँगा मैं hacks पे। I know you guys love hacks वाली videos, तो ज़्यादा आएंगे hacks वाली videos। ये वाली video पे like कर देना। I'll see you guys in the next video every Saturday 12:30 PM. Thanks for watching.